हम लोग किसको पढ़ रहे थे? रेटिना रेटिना को। रेटिना को। रेटिना में कितने लेयर होते रेटिना हैं? थ्री मेन लेयर। हाँ, क्या क्या नाम है? फोटो रिसेप्टर, बायो पोलर सेल, बायो सेल, गैंग्लियर सेल। बायो नहीं होता, बाय होता है, बाइपोलर। सर रिकॉर्डिंग में होगा ना? हाँ सही बात बोला। अब मानो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ होगा तो? सर हुआ है, सर हुआ है। ठीक है, और एक चीज याद रखो, इसको, इस वीडियो को जो है ना, घर पे जाके एक दो बार देखना, ठीक है? यस सर। तब अच्छा से याद हो जाएगा। देखो पढ़ाई ऐसे करो ना कि सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए मत करो, ठीक है? यस। अब मैं आता तुमको आगे बारे में। हाँ सर, गैंगलियन से हमेशा राइट साइड क्यों आता है सर? क्या सर, गैंगलियन से जो है हमेशा राइट साइड में क्यों आता है सर, लेफ्ट साइड में क्यों? नहीं समझे, राइट साइड में सर सारा को सारा एक साइड में ले आ रहा है ना? मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या पूछ रहे हो सर। उसका सारा जो गैंगलियन सेल उसको राइट साइड में आप सर एक साइड में ले जा रहे हैं भाई, कहीं भी ले जाओ इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यस यस। देखो ये 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 क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल। क्या है फोटो रिसेप्टर सेल? फोटो रिसेप्टर सेल है। ये क्या है? बाइपोलर सेल। ये क्या है? गैंगलियन। इसका स्पेलिंग देख लेना यार, गैंगलियन सेल है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है? अब यहाँ से एक नर्व्स जाती है जो क्या करती है, ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज ट्रांसफर करती है, और इस मैसेज को रीड करके हमारा आई क्या बोलता है, इस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इज दिस क्लियर? यस। यहाँ क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, ठीक है? तो ये टोटल था कंस्ट्रक्शन ऑफ आई का। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में देखो यहाँ पे ये सारे चीज आके यहाँ पे एक जगह आके मिलते हैं, ठीक है? यही क्या होते हैं, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। अगर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट फॉल करेगा उस इमेज को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये दिस क्लियर? समझ में आया कि अगर ये जो देख रहे हो ये पार्ट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। अगर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, हम लोग उस चीज को, हमारा ब्रेन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS डिटेक्ट नहीं कर पाता है। Is it okay? समझ लो, सिंपल समझ लो, ये ब्लैक होल है, ठीक है? किसी को अभी तक जो ये टोटल क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई था, आई जिसमें हम क्या पढ़े, स्क्लेरा को पढ़े, उसके बाद आई को पढ़े, उसके बाद रेटिना को पढ़े, ठीक है? इस तरह से आई का कंस्ट्रक्शन किया हुआ। अब हम लोग वर्किंग को देखें। Yes. ठीक है, देखो ये क्या, कॉर्निया, जब रे ऑफ लाइट फॉल करती है सबसे पहले किस पे फॉल करती है? कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर। अब देखो, और ये कॉर्निया किसका एक्सटेंशन है? स्क्लेरा। स्क्लेरा का एक्सटेंशन है कॉर्निया, नो सर, स्क्लेरा का। अब देखो स्क्लेरा के अंदर वाला लेयर क्या था, कोराइड लेयर, क्या था? और कोराइड का यहाँ पे एक्सटेंशन क्या था, सिलियरली मसल, और इसका आगे में एक्सटेंशन क्या होगा, आइरिस। याद रखो ये जो आइरिस देख रहे हो ना, आइरिस और
कॉर्निया, इस दोनों के बीच में एक स्पेस होता है इस तरह से, दिख रहा है ये? यस सर। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं एक्वास चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या एंटेरियर चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वास चैम्बर या एंटेरियर चैम्बर? इज इट ओके? यस सर। देखो, और इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वास ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वास ह्यूमर। तो हमेशा याद रखना, आयरिस और किसके बीच में, कॉर्निया के बीच में क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वास ह्यूमर बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। यस ठीक है। अब देखो, ये आयरिस है, आयरिस का काम क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट इंटर किया एक्वास ह्यूमर में, पास करने के बाद ये क्या होगा, आयरिस में इंटर करेगा, आयरिस क्या करेगा, इस लाइट का क्या करेगा, इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? Yes. इस लाइट के कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर ये लाइट हाई इंटेंसिटी का है तो आयरिस क्या करेगा, बैकवर्ड इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट करेगा, और ये जो स्पेस देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं, पी यू पी आई एल, इसके साइज को इंक्रीज कर देगा। इज दिस ओके? यस सर। अगर ये लो इंटेंसिटी का लाइट है तो ये क्या, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बतला दिया, देखो हाँ देखो, जब हाई इंटेंसिटी का लाइट इंटर करेगा तो ये पीपल, ये जो आयरिस है वो क्या होंगे, एक्सटेंड कर जाएंगे। क्या होंगे, एक्सटेंड कर जाएंगे, extend. और एक्सटेंड कर क्या करेगा, पीपल के साइज को डिक्रीज कर देगा। इज इट ओके? यस सर। और जब लो इंटेंसिटी का लाइट फॉल करेगा तो ये आयरिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पुपिल के साइज को इंक्रीज कर देगा। इन दिस वे आयरिस विल कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और कैसे करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, इसमें क्या होते हैं, आयरिस किससे बना होता है, मसल फाइबर से। और मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक रेडियल और एक सर्कुलर। ये बताने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेना, ठीक है? अब देखो, पुपिल से होते हुए लाइट क्या होंगे, ये क्या होते हैं, लेंस होते हैं। क्या होते हैं, लेंस होते हैं। लेंस। और यहीं पर मेरा फिजिक्स आ जाता है, ठीक है? लेंस कौन उस जगह पे हैंडल करके रखता है, सिलियरली बॉडी, ठीक है, क्लियरली बॉडी क्या करता है, इसको लोकेट करके उसको वहां पे रखता है हैंडल करके। अब ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या करेगा, इस कॉन्वेक्स पे फॉल करेगा, ठीक है? जब कॉन्वेक्स पे ये रे ऑफ लाइट फॉल किया, यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। इज इट ओके? यस रिफ्लेक्शन होगा, और ये लाइट क्या करेंगे, जाके रेटिना, रेटिना के कौन से पार्ट पे फोटो रिसेप्टर, ठीक है? और ये फोटो रिसेप्टर क्या करेगा, इस चीज को आगे फॉरवर्ड करेगा, किसके हेल्प से, बाय पोलर सेल से, डिफ्यूजन बाईपोलर सेल से। फिर बाईपोलर सेल क्या करेगा, आगे मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, किसके मदद से, गैंग्लियन सेल से। और गैंग्लियन सेल से कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा, ठीक है? अब देखो, ये जो देख रहे हो ना, लेंस और रेटिना के जो फोटो इलेक्ट्रिक से सॉरी फोटो रिसेप्टर सेल है, इसके बीच में ये जो चैम्बर देख रहे हो ना, Yes, sir. व्हाइट कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं
विट्रस चैम्बर, क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस फ्लूड, क्या बोलते हैं? विट्रस फ्लूड या विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और यहाँ वाले फ्लूड को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटेरल नहीं, एक्वास ह्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्वास ह्यूमर। और यहाँ वाले फ्लूड को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। इस तरह से हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है ऑन द रेटिना के ऊपर। इट इज ओके? यस। कोई डाउट? नो सर। देखो जो रेटिना के ऊपर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। इरेक्ट नहीं होता है, कहता इन्वर्टेड होता है। यस सर। इज इट ओके? लेकिन हमारा जो ब्रेन करता क्या करता है, इसको इरेक्ट करके हमको बतलाता है, मैसेज। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो ये जो ह्यूमर है ना, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इस ह्यूमर में इसका काम क्या होता है कि हमारे आई में क्या करता है, एक प्रॉपर आई प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये आई प्रेशर क्या करते हैं, जो हमारा आई बॉल है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। क्या करता है? हमारे आई बॉल को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। इज दिस ओके? क्या बोले सर? जो ये विट्रस ह्यूमर है ना, ये प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द आई। और वो प्रेशर क्या करता है, इस आई बॉल, ये बॉल देख रहे हो आई बॉल, इसको हमारे आई सॉकेट में एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है आई बॉल को। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। उतना टाइम ले, जल्दी हाँ या ना बोलो। नहीं आया समझ में? यहाँ जो इमेज, मानो ये इमेज तुम ऐसे यहाँ पे देख रहे हो, इसका रेटिना के ऊपर कैसा फॉर्मेशन होगा? इस तरह से इन्वर्टेड फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा इसको, इस तरह से जैसा इमेज दिख रहा है उस तरह से उसको ऑब्जर्व करेगा। इज दिस ओके? यस। कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, नो सर। क्या हुआ? नो सर। कोई डाउट नहीं है सर? हाँ, क्लियरली मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है सर? यही मैंने ये क्या बताया था यहाँ पे, ये सिलियरली बॉडी है। ये क्या है? सिलियरली मसल ही तो है जो ये देख रहे हो यहाँ पे, जो आई लेंस लेंस से अटैच है। यस सर। यस, ठीक है। यस सर। किसी कोई दिक्कत? हाँ? अब बताओ ये इमेज रियल होता है या इमेजिनरी होता है? सर क्या? रियल इमेज होता है या इमेजिनरी होता है? रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। हमेशा याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
Anyone have any doubt? No. अब एक चीज को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, जो इमेज जो फॉर्मेशन होता है ना वो 1/16 सेकेंड तक हमारे रेटिना के ऊपर रहता है, इज इट ओके? कितने सेकेंड के लिए रहता है? 1/16 सेकेंड के लिए, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, 1/16 सेकेंड होता है, ठीक है? उतना समय तक कोई भी इमेज हमारे आई के ऊपर बन के रहता है, इज दिस ओके? यस सर। जो एनिमेटेड वीडियो देखते हो ना, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो, वो एक सेकेंड में क्या होता है, उसमें कलेक्शन ऑफ फोटो होता है, ठीक है? एनिमेटेड वीडियो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फोटो होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, एक सेकेंड में हम लोग मानो एक सेकेंड में उसमें क्या होते हैं 24, 26 इस तरह के इमेज को पास करवाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक वीडियो का फॉर्मेशन कर लेता है। यस सर, लगता है एक ही साथ है। हाँ, एक ही साथ मूव होते हुए दिखता है, इट इज ओके? यस सर। तो परसिस्टेंस ऑफ आई कितना है, 1/16 सेकेंड, किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं ना? हाँ, अब देखो इसको मैं एनेस करता हूँ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कुछ डिफेक्ट रिलेटेड टू आई पढ़ते हैं, ठीक है? इज दिस ओके? यस, ठीक है। देखो वो कर लो, क्या कहते हैं उसको तुम लोग, म्यूट। हाँ देखो यहाँ पे ये जो कॉर्निया देखते हो ना, ठीक है, कॉर्निया के बाद क्या होता है, आइरिस होता है ना। हाँ, आइरिस क्या होता है, पिगमेंटेड कलर होता है ना। तो अगर ये पार्ट मेरा डैमेज हो, ठीक है, हम लोग कॉटरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैटरेक्ट। इज दिस क्लियर? रतुनी नाम सुने हो, कुछ ऐसे ही बोलते हैं कैटरेक्ट को, सुनता हूँ कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा के आया हूं। तो इस पार्ट का जो ऑपरेशन होता है कॉर्निया के इस पार्ट का, ठीक है, तो उसकी हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये लेंस देखते हो ना, जब लेंस क्या हो, ये लेंस नॉर्मल लूप में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये लेंस क्या होता है, ये ठीक हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है एज के साथ साथ, क्या होता है, हमें आईज क्लियर नहीं दिखते हैं, इसलिए सुनता होगा लोग क्या बोलते हैं, हम लेंस लगवा के आए हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ पहले। आ रही है। हाँ? देखो यहाँ पे, चलो मैं इसको मैं शुरू से बता देता हूँ। चलो अभी आई देख रहे हो इस टाइप का है, ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखो कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट CATARACT, ठीक है? इसमें क्या होता है, कैटरेक्ट में जो प्रोटीन होते हैं, किसके, लेंस के, प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ जो लेंस होते हैं, ये लेंस देख रहे हो ना ये, यस सर, तो ये क्या होते हैं, क्लब्ड हो जाते हैं, एक साथ क्लब टुगेदर हो जाते हैं, तो उसी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज क्लियर? समझ में आया? यस सर। ये चीज डेंस हो जाता है, प्रोटीन जब एक साथ क्लब्ड होंगे, ठीक है, एक साथ क्लब्ड होंगे क्या हो जाएंगे, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी ना, ठीक है? Is this clear? Yes, sir. अब ग्लूकोमा, ग्लूकोमा इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला था, यहाँ पे फ्लूड है, यहाँ पे फ्लूड है, तो क्या होता है, जो ये जो फ्लूड है ये एक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है, और जब इस प्रेशर के अंदर क्या हो,
जब इस प्रेशर के अंदर क्या हो, एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो, तो कौन सा बीमारी होता है? ग्लूकोमा होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अरे यस सर, एक्वास चैम्बर है ना, एक्वास चैम्बर में जो एक्वास ह्यूमर होते हैं, ये क्या करते हैं, एक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जब इस प्रेशर में एबनॉर्मेलिटी हो जाए, एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट हो, उसको हम लोग क्या, कौन सा बीमारी बोलते हैं? ग्लूकोमा बोलते हैं। इज दिस क्लियर? मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटनेस है। क्या नाम है इसका? शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, म्यूट करो, नजदीक की चीज दिखती है और दूर की चीज नहीं दिखती है। तो जिस पर्सन को कैसा बीमारी हो, मायोपिया का बीमारी हो, उसको क्या दिखेगा, नजदीक का चीज दिखेगा और दूर का चीज नहीं दिखेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या होता है, हाइपर मायोपिया होता है, हाइपर मायोपिया होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटनेस। क्या बोलते हैं इसको? फार साइटनेस। हाइपर, हाइपर मीन्स क्या होता है, दूर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फार साइटनेस बोलते हैं। और फायर साइटनेस क्या होता है, दूर की चीज दिखती है और नजदीक की चीज नहीं दिखती है। समझ में आया? तो हमने आईज से रिलेटेड कितने बीमारी को देखा, कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, जो लेंस है इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। देखो, लाइट को पास कराने के लिए क्या होना चाहिए, लेंस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यस सर। अगर लेंस मेरा ट्रांसपेरेंट ना हो, क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज बनना शुरू हो जाए। जब एज हमारा बढ़ते जाता है ना, लेंस क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो क्लॉग्ड होने लगता है। और प्रोटीन के क्लॉग्ड होने से क्या होता है, ये चीज ऑब्ट्यूज बनने लगता है, लाइट के ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो उससे कौन सा बीमारी होता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस ओके? यस। उसके बाद ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कहां पे होता है, जो क्या है, एक्वास चैम्बर है, इसके अंदर जो एक्वास ह्यूमर है, इसके द्वारा एक ऊपर प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगर उस प्रेशर में एब्नॉर्मलिटी आ जाए, ठीक है, तो कौन सा बीमारी होगा, ग्लूकोमा होगा। इज इट ओके? ग्लूकोमा। तीसरा क्या होता है, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस। साइटनेस बोलते हैं। मतलब क्या, इसमें क्या होते हैं, नजदीक की चीज दिखती है, दिखती है, ठीक है, ठीक है, लेकिन दूर की चीज नहीं दिखती, नहीं दिखती है। उसके बाद क्या होता है, हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया में क्या होता है, तो बोलते हैं फार साइटनेस, दूर की चीज दिखती है, दिखती है, और नजदीक की चीज नहीं दिखती है। ये क्या है, डिफेक्ट रिलेटेड टू आवर आईज। इज दिस क्लियर? यस। आई क्या है, अगर ये दुनिया मुझे कलरफुल दिखता है, क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ आई। यस सर। तो आई का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। यस सर। तो आई को प्रोटेक्ट होने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, एक्चुअली जानते हो, हम मेनली जो यंग होते हैं ना, यंग आदमी उसी चीज को देख पाते हैं जब ऑब्जर्वर और हमारे आई के बीच का डिस्टेंस क्या हो, 25 सेंटीमीटर हो। अगर तुम 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखो या दूर के ऑब्जेक्ट को देखो, तो आपके आई के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। दिस ओके? यस। समझ में आया? यस सर। तो हम लोग क्या प्रयास करें, कोई भी चीज को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखें, ठीक है, चाहे टेलीविजन को देखें, चाहे किसी भी चीज को, कोई चीज पढ़ें, रीड करने के लिए कितना कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जब हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं ना या टेलीविजन देखते हैं, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे देखोगे, हमारा आई पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये हमारे आई को डैमेज कर सकता है, पावर को। इज इट ओके? यस। समझ में आया? तो कभी आज से क्या करोगे, जब भी पढ़ोगे या टेलीविजन देखोगे, तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए,
25. अब क्या करो, देखो अपने आईज को डस्ट से प्रोटेक्ट करें, कैसे, ग्लास पहन के, ठीक है, जैसे हाई इंटेंसिटी के लाइट को, जैसे जब सूरज की ओर, जब वहां पे हाई इंटेंसिटी हो, सडन हम लोग हाई इंटेंसिटी को लाइट को नहीं देखना चाहिए, वो क्या करेगा, डैमेज कर सकता है, इज इट ओके? यस। और हम लोग क्या करना चाहिए, जब हम लोग बाथिंग करते हैं अपने आंख को क्लीन वाटर में खोल के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, सारे डस्ट पार्टिकल बाहर चले आते हैं, इज दिस ओके? यस। और जिन लोग को पावर, मतलब लेंस का पावर, जिन लोग के आईज वीक है, उनको क्या होना चाहिए, ग्लास पहनना चाहिए। दीज आर द सम ऑफ द step by which we can protect our eyes. Is it okay? Yes, sir. Anyone have any doubt? Kisi koi doubt hai? No, sir. Sir, ek minute, kya pehan kar apni? Kya cheez? Sir, kya pehan kar dekhna chahiye? Glass. देखते हो लोग जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हुए देखो आदमी को, यस सर, वो क्या करता है, एक ब्लैक ग्लास पहन के रखता है, अगर नहीं पड़े तो आई क्या, तो बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोड्यूस होती है, वो हमारे आई को डैमेज कर सकती है। यस सर। इससे कोई डाउट? यस सर।